हेलो एवरीवन, देखिए आज हम एक्सेल में एक ऐसा ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू जो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये पर्टिकुलर कॉलम, इसको मैं हाइड करने जा रहा हूँ। अब मुझे ये पर्टिकुलर कॉलम जो पर्टिकुलर टेबल है जिसमें मैंने हाइड कर दिया है कॉलम, अब मैंने पेस्ट करना है, तो प्लीज तो वो जो हाइड कॉलम है वो हमें ना दिखे और ना ही फर्दर जो भी कैलकुलेशन हमें करनी है वो हाइड कॉलम हमारी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब ना करें। तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सिंपल कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। इसमें जो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड कॉलम है जो मैंने हाइड कर दिया है ये भी पेस्ट हो गया, और फर्दर जो कैलकुलेशंस करूँगा वो भी इस कॉलम की भी हो जाएगी, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिस्टर्ब ये पर्टिकुलर कॉलम ना दिखे और ना ही कैलकुलेशन में ये इन्वॉल्व हो। तो ये कैसे होगा? इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आप सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर टेबल को ये देखिए, जिस टेबल में हमने कॉलम को हाइड किया है उस पर्टिकुलर टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब देखिए हमने टेबल सेलेक्ट करके रखा है, उसके बाद आप फाइनाइट सेलेक्ट में चले जाएं, गो टू स्पेशल में जाएं, विजुअल सेल्स ओनली को क्लिक करें और उसके बाद ओके करें। अब कंट्रोल सी को आपने क्लिक करना है और उसके बाद किसी भी सेल में जाकर आप उस पर्टिकुलर टेबल को पेस्ट कर दें। अब देखिए जो हाइड कॉलम था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो फिर वो जो हाइड कॉलम है उसके जितने भी फिगर्स हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुई है जब मैंने ऐड किया है। देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, मैं अल्ट और सेमी कॉलम प्रेस करूँगा और उसके बाद कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल वी। तो अगर मैं इस कमांड के थ्रू यानी कि सेलेक्ट करने के बाद अल्ट सेमी कॉलन फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूं, तो भी देखिए आपके सामने हाइट कॉलम नहीं आया, और जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हाइट कॉलम आपकी कैलकुलेशंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा।